ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज के बाद की WWE से जुड़ी काफी सारी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। क्या रोंडा रोजी इंजर्ड हो गई है, सर्वाइवर सीरीज की अटेंडेंस कितनी थी, सबसे तगड़ी बू मिली सर्वाइवर सीरीज में नाया जैक्स को, और एंजो अमोरे भी थे सर्वाइवर सीरीज में। तो इसी तरह की अपडेट्स मेरे पास आपको इस वीडियो में देने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले शार्लोट फ्लेयर के कमेंट को लेकर, जो कि उन्होंने रोंडा रोजी को अटैक करने की बात किया। तो शार्लोट फ्लेयर ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट किया और वो आप लोग देख सकते हैं इससे आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ शार्लोट फ्लेयर लिख रही है बू द वू स्क्रू यू, मतलब काफी मस्त लगा एक तरह से ट्वीट यहाँ पर शार्लोट फ्लेयर का। उन्होंने बताया लो भैया तुम बू करोगे और मैं कर दूंगी वो जो उन्होंने किया सर्वाइवर सीरीज में। उन्होंने बुरी तरह से धो दिया रोंडा राउजी को। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़े नाया जैक्स। तो हम लोग जानते हैं कैसे सोशल मीडिया पर नाया जैक्स को काफी सारी बातें सुननी पड़ी कि उन्होंने बैकी लिंच को तोड़ दिया फोड़ दिया, जिसकी वजह से हमें बैकी लिंच वर्सेस रोंडा राउजी का सर्वाइवर सीरीज में मैच नहीं देखने को मिला। तो जब नाया जैक्स पहुंचती है सर्वाइवर सीरीज में तो यहाँ पर फैंस का मानना यह है कि नाया जैक्स को काफी तगड़ी बू का सामना करना पड़ा और ये बू कुछ ऐसी थी जो कि हमें बार बार देखने को नहीं मिलती। तो पता लग रहा है यहाँ पर कितनी ज्यादा हीट क्रिएट हो गई है नाया जैक्स के लिए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी सर्वाइवर सीरीज से, कि सर्वाइवर सीरीज में वहां बैठे कितने लोग थे, कितनी अटेंडेंस थी। तो ये जो अटेंडेंस थी वो थी 16,320 और WWE ने ये बताया कि ये उनकी सोल्ड आउट क्राउड था, मतलब कि सारे टिकट वहां पर सेल हो चुकी थी। अब बात चले यहाँ पर अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस में हमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज देखने को मिली और वो ये जब एंजो अमोरे हमें सर्वाइवर सीरीज के क्राउड में देखने को मिले। जी हाँ, जैसे कि आप लोग यहाँ फोटोज में देख सकते हैं एंजो अमोरे पहुंच गए थे सर्वाइवर सीरीज में, और आप लोग जानते हैं WWE ने एंजो अमोरे को निकाल दिया था काफी टाइम पहले क्योंकि उन पर कुछ एलिगेशंस लगे थे। हालांकि इन सभी चीजों से एंजो अमोरे बाहर आ चुके हैं और वो सर्वाइवर सीरीज के इवेंट पर यहाँ पर पहुंच गए थे, जिसके बाद WWE की सिक्योरिटी टीम ने उन्हें वहां से निकाल दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऑब्वियसली उनके जाने से वहां पर एक तरह से हाई बज क्रिएट हो रहा था, उनके बारे में बातें होती, और अगर एंजो अमोरे WWE में नहीं है तो यहाँ पर WWE नहीं चाहती होगी कि कुछ भी ऐसा होता। इसके चलते एंजो अमोरे को वहां पर क्राउड से निकाल दिया गया। वैसे मुझे काफी बुरा लगा कि एंजो अमोरे को ऐसे नहीं भगाना चाहिए था सर्वाइवर सीरीज के क्राउड से। अब बात करते हैं डैनियल ब्रायन की। तो हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धुलाई हो जाएगी डैनियल ब्रायन की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डैनियल ब्रायन ने काफी अच्छी फाइट करी, वो बात अलग है, उन्होंने अपने हील वाले मूव का यूज किया लो ब्लो, जिसके चलते वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर थोड़े से हावी हुए। तो मैच खत्म होने के बाद भी ऐसा लगा कि डैनियल ब्रायन को यहाँ पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके सर्वाइवर सीरीज के मैच के बाद WWE ने एक वीडियो पोस्ट करी जहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं डैनियल ब्रायन को, और वो तो मैच खत्म होने के बाद भी एक वो कहते हैं शैतान वाली हंसी दिखा रहे हैं और ऊपर बेल्ट उठाते हुए लेके जा रहे हैं। तो लग रहा है यहाँ पर WWE स्टिल डैनियल ब्रायन को मैच हरवाने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग ही बुक करेगी, और उनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बता रहे हैं कि ये तो उनके लिए कोई छोटी मोटी बात है, ज्यादा कोई दिक्कत डैनियल ब्रायन के साथ यहाँ पर है नहीं। अब बात करते हैं रोंडा राउजी की इंजरी के बारे में। तो हम लोगों ने देखा कैसे शार्लोट फ्लेयर ने काफी बुरी तरीके से रोंडा राउजी के ऊपर अटैक किया। तो आप में से काफी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई क्या रोंडा राउजी को इंजरी हो गई है। तो आपको बता दूं WWE ने अपने आर्टिकल के ऊपर मेंशन जरूर किया है कि रोंडा राउजी को छोटी मोटी इंजरीज हैं, लेकिन वो इंजरीज इतनी ज्यादा कोई बड़ी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होने वाला कि रोंडा राउजी कुछ टाइम के लिए WWE से ब्रेक ले लेंगे या फिर बाहर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और नेक्स्ट मंथ ही WWE का TLC पेपर भी होने वाला, एंड आई एम श्योर वहां पर हमें रोंडा राउजी जरूर रेसल करती हुई दिखाई देंगे। तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन इस बारे में लेनी कि आपने लास्ट वीडियो देखी है नहीं चैनल पर, जहां मैंने सारे सर्वाइवर सीरीज के रिजल्ट को मेंशन किया क्या क्या वहां पर हमें चीजें बड़ी देखने को मिली, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं एंजो अमोरे के सर्वाइवर सीरीज के इवेंट में पहुंच जाने को लेकर। इसके अलावा सर्वाइवर सीरीज में आपको कौन सा मैच सबसे पसंद आया, इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।